अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। कारोबार और बिजनेस में पार्टनरी करना जायज़ है या नहीं, और अगर जायज़ है तो फिर जायज़ होने की शर्तें क्या हैं, और नाजायज़ किस शक्ल में है, किस तरीके पर कारोबार और बिजनेस में पार्टनरी नाजायज़ है। आज की इस वीडियो में आपकी ज़रूरत के तहत और आपकी ज़रूरत समझते हुए चंद बातें तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इससे पहले तो ये समझिए कि कारोबार में और बिज़नेस में पार्टनरी की कई शक्ल होती हैं। उसमें से पहली शक्ल तो ये है कि एक आदमी के पैसे लग जाएं और दूसरा आदमी मेहनत करे और जो प्रॉफिट हो दोनों आपस में तकसीम कर लें। और दूसरी शक्ल ये है कि पैसे दोनों आदमी के लगें लेकिन एक आदमी काम नहीं करता, काम एक कर रहा है। पैसे अगरचे दोनों के लगे हैं लेकिन काम एक आदमी कर रहा है और वो प्रॉफिट अपने एतबार से तय कर लें, ये भी जायज़ है। और तीसरी शक्ल ये है कि दोनों पार्टनर पैसे भी लगाएं और दोनों पार्टनर कारोबार और बिजनेस को टाइम भी दें, मेहनत भी करें, ये शक्ल भी जायज़ है। तो ये पार्टनरी की ज़्यादातर तीन ही शक्लें होती हैं, तीनों शक्लें जायज़ हैं, जिस तरीके पर आप चाहें कारोबार कर सकते हैं। अब कारोबार के सही होने के लिए चंद शर्तें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कारोबार सही नहीं होगा। पहली शर्त यह है कि जिस कारोबार और बिजनेस में पार्टनरी की जा रही है वो कारोबार और बिजनेस हलाल हो, नाजायज़ काम ना हो, जायज़ काम हो। जायज़ काम दोनों पार्टनर कर रहे हों तो फिर वो कारोबार हलाल है और उस कारोबार में पार्टनरी करना, शिरकत करना भी जायज़ है। और दूसरी शर्त यह है कि दोनों पार्टनर नफ़ा और नुकसान में शरीक हों, यानी दोनों पार्टनर नफ़े के भी मालिक हों और नुकसान के भी मालिक हों। जो प्रॉफिट हो वो भी दोनों के दरमियान जाएगा, और अगर कारोबार और बिजनेस में लॉस और नुकसान हो तो वो लॉस और नुकसान भी दोनों में डिवाइड होगा। ऐसा नहीं कि एक साइड में हो गई यूँ कहते नहीं जी मैं नुकसान नहीं उठाऊँगा, नुकसान तो आप ही उठाओ, मैं तो सिर्फ नफ़े का मालिक हूँ। अगर इस तरीके पर कोई कारोबार में शिरकत करेगा तो फिर जायज़ नहीं होगी। तीसरी शर्त जो सबसे अहम शर्त है कारोबार के सही होने के लिए, पार्टनरी के सही होने के लिए, वो है नफ़ा और प्रॉफिट के तकसीम करने का जो तरीक़ा हो वो हिस्सों के एतबार से हो। हिस्सों के एतबार से मतलब या तो आधा आधा हो, पहले ही तय हो जाए कि भाई जो भी प्रॉफिट और नफ़ा होगा उसमें आधा आधे हम शरीक रहेंगे, आधा तुम्हारा रहेगा जितना भी होगा और आधा मेरा रहेगा जितना भी आधा बनेगा। या अगर ये ना हो तो फिर ये हो कि भाई जितनी भी आमदनी होगी, जितना भी प्रॉफिट होगा, उसका 40% तुम्हारा, ये 60% मेरा, या 60% तुम्हारा, 40% मेरा, लेकिन जो भी हो वो तयन हो, हिस्सा मुतयन हो कि तुम्हारा प्रॉफिट में कितना हिस्सा है, प्रॉफिट का हिस्सा मुतायन हो। इस तरीके पर ये तीसरी शर्त सबसे अहम है। लोग इसी में ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं। तो नफ़े में हिस्से मुतायन हो कि कितना हिस्सा कितना है, या तो आधा आधा, या अगर कुछ कम ज़्यादा है तो वो पहले से मुतायन हो, और वो फ़ीसद के एतबार से मुतायन हो कि कितना फ़ीसद किसका है। ये तीन शर्तें ज़रूरी हैं, इनका ख्याल करना ज़रूरी है। एक चौथी शर्त जिसकी वजह से आज की ये वीडियो बना रहा हूं और जो लोगों में चली हुई है वो ये है कि एक साहब किसी कारोबार करने वाले को 5 लाख रुपए मिसाल के तौर पर अपने दे देते हैं और उससे यूं कहते हैं भाई अपने कारोबार में मेरे 5 लाख रुपए लगा लो और मुझे हर महीने 50,000 रुपये दे दिया करियो। मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपए लगा के अपनी हर महीने का प्रॉफिट 50,000 रुपये फिक्स कर लिया, यानी मुझे मेरे 5 लाख आप लगा लो, मुझे तो आप हर महीने 50,000 रुपये दे दिया करियो। ये तरीक़ा नाजायज़ है और ये सरासर सूद और ब्याज है। भाई ऐसा कैसा हो सकता है कि हर महीने आदमी कारोबार से पैसे कमाए ही या उतने ही कमाए जितने उसने इस महीने कमाए, अगले भी उतने ही कमाए। कारोबार और बिजनेस में तो ऐसा भी होता है कि आदमी इस महीने 1 लाख नहीं 10 लाख कमा रहा है और अगले महीने उसको 1 लाख भी पूरे नहीं हो रहे हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक महीने उसने 1 रुपया भी नहीं कमाया है।
तो आप जो ये फिक्स और मुतय्यन कर रहे हैं कि मुझे हर महीने 50,000 रुपये दे दिया करें, चलो उस महीने के बारे में तो ये समझ में आ गई, जिसने जिस महीने में उसने 10 लाख कमाए हैं तो 50,000 आपको उठा के वो दे देगा। अब जिस महीने उस बेचारे ने कमाए ही 50,000 हैं या 50,000 भी नहीं कमाए हैं, उस महीने वो कहाँ से देगा आपको? अपनी जेब से। और यही तो है ब्याज, यही तो सूद है कि उसमें फिक्स हो जाता है। आप चाहे इन पैसों को इस्तेमाल करें, अपने घर में लगाएं, आपको कारोबार में लॉस हो या फायदा हो, उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो 50,000 चाहिए, यही ब्याज कहलाता है। और मार्केट में पार्टनरी की यही शिरकत की यही शक्ल राइज है। लोग इसी तरीके पर कर देते हैं, किसी को पैसे दे देते हैं और उससे कह देते हैं कि भाई मुझे तो आप हर महीने 10,000 दे देना या मुझे हर महीने आप 20,000 दे देना। ये मुतय्यन करना जायज़ नहीं है। इसी तरीके पर तय होगी बात कि कारोबार में पैसे लगाने के बाद जो भी आमदनी होगी उसका मिसाल के तौर पर 40%, 50% या 20% जो भी मुतय्यन हो उतना परसेंट मुझे देंगे आप। ये रकम मुतय्यन करके वो पार्टनरी जायज़ नहीं है। लोगों में यही राइज है, इस बात की इसलाह करने की ज़रूरत है। वो जो लोग इस तरीके पर मुतय्यन करके पैसे वसूल करते हैं वो सरासर ब्याज होता है, ब्याज सूद होता है, हराम खोरी होती है वो। इसलिए खुदा के लिए इस तरीके पर पार्टनरी ना करें, ना कारोबार करने वाले ऐसे मुतय्यन करके पैसे लें और ना कारोबार करने वाले को आप ऐसे मुतय्यन करके पैसे दें। जायज़ शक्ल पर कारोबार करें, जायज़ शक्ल पर पार्टनरी करें। उम्मीद करता हूँ आप बात समझ गए होंगे। दुआओं की दरख्वास्त हैं, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।